राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2021 को दी स्वीकृति। कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना की जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। श्री पार्वती मंदिर की भी रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत का दिव्य स्तंभ, सहार में भी सृजन का प्रतीक है सोमनाथ। संसद भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन किए अर्पित। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान में मौजूदा संकट को बढ़ने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकजुट होने का किया आह्वान। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक लगाए गए 97,22,00,000 से अधिक कोविड टीके। बीते 24 घंटों के दौरान 36,571 नए मामले आए सामने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद के किसी भी कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की जानी चाहिए निंदा। अब खबरें खेल जगत से। फिट इंडिया दौड़ का पीटरहॉफ शिमला के नेहरू युवा केंद्र तक हुआ आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई दौड़ को हरी झंडी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जाने माने एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार के निधन पर दुख व्यक्त किया। श्री नाम्बियार का 89 वर्ष की आयु में कल हुआ निधन।